वेलकम गाइस। गाइस आप देख रहे हैं अपना ए के आर करंट अपडेट चैनल। गाइस आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जे सामने आप पिक्चर देख ही रहे हैं, जे पिक्चर है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आप सभी इनको जानते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है आज इन पर ही है कि इनको इन्होंने आज तक कितने अवार्ड जीते हैं, ठीक है, मींस कि इंडिया में या इंडिया के बाहर कितने अवार्ड जीते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। और ये अवार्ड बड़े ज़रूरी भी हो जाते हैं उन सारे कैंडिडेट के लिए जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की जॉब्स की ट्रेनिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं अवार्ड पर बात करेंगे। तो दोस्तों आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जैसे कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप 2 से 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहें, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो गाइस इसमें जो इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव किए हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, उस पर हम बात करेंगे। पहला अवार्ड है किंग अब्दुल अजीज शाह अवार्ड, मीन कौन सा, किंग अब्दुल अजीज शाह अवार्ड, जो सऊदी अरबिया से इनको मिला था, मीन सऊदी अरबिया में इनको इस नवाज से इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद बात करें सेकंड अवार्ड जो है अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड, अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड, जो अफगानिस्तान में इनको दिया गया था। इसके बाद बात करें यूएनस हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड, जे भी इनको दिया गया था, इस अवार्ड का नाम था चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड नेशन में इनको इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया था। इसके बाद ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन, जो फेमस अवार्ड है पैलेस्टीन कंट्री का, उनको मोदी जी को जे भी दिया गया था। इसके बाद इनको मिला था सियोल पीस प्राइज ऑफ 2018, जे भी पीएम मोदी जी को दिया गया था। इसके बाद बात करें फिलिप कॉटलर प्रेजिडेंशियल अवार्ड, जे भी इनको मिला है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ जायद यूएई में जो दिया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पे अभी हमारा आईपीएल का जो सीजन हुआ था, आईपीएल का जो मैच हुए थे इसी कंट्री में हुए थे। इसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, जे रशिया में इनको अवार्ड दिया गया था। इसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, जिनको मालदीव्स में दिया गया था। इसके बाद बात करें किंग हेम्ड ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, किंग हेम्ड ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, जिनको बहरान सिटी बहरान कंट्री में दिया गया था। इसके बाद आगे बात करें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल पूरे संसार का जो गोलकीपर अवार्ड है ये दिया गया था इस बिल एंड मलिना गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान, जिनको इस मेन जो स्वच्छ भारत अभियान था इसके तहत इनको दिया गया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। इसके बाद इंडियाज़ गोल्डन ट्वीट हॉनर, इंडिया का जो गोल्डन ट्वीट हॉनर अवार्ड है 2019 का, जे भी पीएम मोदी जी को दिया गया था। तो गाइज यही था जो नया अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। तो गाइज आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू गाइज़।